रे बंटू जी आओ तो सही जरा। बंटू जी मारा लाल पीला नीला थारी माँ ने रिश्ता कर दिया थारा। बधाई हो चौधरी साहब, बधाई हो अम्मा। रिश्ता करके आ गई। अरे ऐसे क्या? प्लीज आपको ना रहने दो, आप कुछ ना बोलो। आज तक आपने हम लोगों के बारे में सोचा है जो आप बोल रहे हो? आप एक बात बताओ, आपने कभी सोचा था कि बरवारा के सुपरिटेंडेंट अपनी बेटी का रिश्ता अपने बंटू के लिए भेजेंगे? अब इससे अच्छा रिश्ता तो हम अपने हाथ से जानने दे सकते हैं ना पापा। जी मैडम, वो लोग मान गए हैं। जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ मैडम। गुड, वेरी गुड। अपने कुछ आदमी मैंने उनके घर के बाहर 24 घंटे तैनात कर दिया है। खानदान का अपना रुबाब होगा, धन दौलत होगी। अपनी बेटी को तो वो माल और पैसे के साथ भर के भेजेंगे। अपना बंटू अमीर तो होगा तो अलग, हम लोग और अमीर हो जाएंगे। शिल्पा चुप कर। शिला तू भूल गई है, तू भी एक बेटी की माँ है। तन्ने पता है आज की तारीख में दहेज लेना गुनाह है। पर मुन्ने एक बात समझ में नहीं आ रही, वो तो खूब कानून का आदमी है, सुपरिटेंडेंट है खुद, वो ऐसा गलत काम कैसे कर सकता है? पैसा, ये पैसा गरीबों की बहुत बड़ी कमजोरी है। कुछ पैसे मुंह पे मारो तो जिंदगी भर जूते साफ करेंगे। कुछ भी करो, ये वार खाली नहीं जाना चाहिए। इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें उनके घर में घुस कर राणा को मारना है। ताऊ जी, कभी कभी ना अच्छा बुरा पीछे छोड़ देना चाहिए। तो अपने बंटू का रिश्ता हुआ, आप भी खुश हो जाओ थोड़ा सा। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतना बड़ा सुपरिटेंडेंट होके वो बंटू से अपनी बेटी का रिश्ता क्यों जोड़ना चाहता है? भाई ना तो ये उतना पढ़ा लिखा है, ना इसकी कोई नौकरी का ठिकाना है। तो क्या हो गया जेठ जी, बंटू के पापा का अपना कारोबार है, जब मन करेगा संभाल लेगा। और अम्मा इसकी बरवारा गांव की पंचों में से एक है। आप लोग कुछ ना समझते हमको, पर बाहर तो इज्जत है ही हमारी, लोग अपना फायदा देख ही लेते हैं। तो लगा होगा उन्हें कि आगे जाके इस खानदान से रिश्ता जोड़ के काम निकल आवेंगे। और वैसे भी जेठ जी मन ने इस रिश्ते में ना कोई बुराई ना दिख रही, तो एक बार ही सही आप लोग भी हमारी खुशी में खुश हो लो। और हाँ जी, अपने छोरे का रिश्ता करने का हक है कि ना हमको, ना बता दो। खैर कल रोका रख दी है मैंने। हाँ मां, कल? और वो भी एकदम अलग अंदाज में, मतलब टीम रोका। इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? आप फिक्र मत कीजिए मैडम, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। खानदान इतना ऊंचा है तो ठाट बाट तो अलग होंगे ही ना। थीम पार्टी एकदम अलग अंदाज का है, इसमें ना सबके चेहरे एकदम ढके रहेंगे नकाब से, और अलग अंदाज के कपड़े पहनेंगे, और खाना पीना नाच गाना, इतना मजा आने वाला है सच में। और बंटू जी आपने काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको भी ना चमकाने की जरूरत है थोड़ी सी, तो पार्लर जाना पड़ेगा। आओ हमारे साथ चलो। जी जी जी, ले जा ले जा। ये सब अम्मा, अम्मा तू कुछ नहीं बोलेगी क्या? मेरे को ठीक नहीं लग रहा ये सब। रही सुपारू, वो तो पहले ही सारा परपंच रच के आ गई, ये भी सुनेगी किसी की के? एक लफ्ज निकला मुंह से कि बात का बतंगड़ बना देगी, फिर पंचायत में लेके हाजिर हो जाएगी कि अम्मा कर दे बंटवारा। अजी सुनते हो? लो चौधरी साहब छोरे का रोका है कल, काम कम पड़े हैं के, है कि ना अम्मा? हाँ ठीक से सिला, चल हम सब थारे साथ से। जी हुई ना बात अम्मा, चलो चौधरी साहब आजो, बड़ा काम पड़ा से, आजो जल्दी से। क्या भाई, तेरा इंतजार कर रही है। एसपी क्यों कहता पता नहीं अम्मा। अरे आप लोग परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। जरूर एसपी आके सरप्राइज देना चाहता होगा। ऐसी हरकतें ना सिर्फ वही कर सकता है। पकड़े गए ना मिस्टर एसपी। एसपी तुम हो? अरे तो आज सच में तुम आए हो। अच्छा तो मिस्टर एसपी बताओ क्या हुआ? नाराज क्यों हो तुम? बताओ ना। बस क्योंकि मैंने ना बोल दिया इसीलिए? बोलो ना, बोलो। अरे तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अरे क्या बुलवाना चाह रही है बेचारी बिल्ली से? दी नहीं, एक्चुअली मुझे लगा एसपी आया था, पर उसने अपनी जगह इस बिल्ली को भेज दिया। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे अपने दिल की बात की और मैंने मना कर दिया। पर देखो ना, तब से ऐसे गुस्सा होके बैठा है, बेवकूफ है। ना ही सामने आ रहा है, ना ही बात कर रहा है। और दी मैं नहीं चाहती उसकी इस नादानी की वजह से हमारी सालों की दोस्ती टूट जाए। तो देख दुर्गा, तुझे पक्का है ना कि तू यही चाहती है? हाँ दी बिल्कुल। अच्छा मुझे शुरू से बता कि क्या हुआ, कैसे हुआ सब। एक्चुअली जब हम कैंप गए थे ना, लव यू तुर्का। तुम प्लीज अपनी फीलिंग्स को काबू में रखो। अरे तो इतनी सी बात है, तू एक काम कर, उसे फोन लगा और फोन पे सब बता दे, सब टेंशन खत्म हो जाएगी। काश इतना आसान होता। दी एसपी का बच्चा इतने नखरे दिखा रहा है जैसे कि वो लड़की और मैं लड़का। फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। अच्छा तो ये बात है। वैसे एक तरीका और है, बताऊं? नहीं नहीं, उस नवाब साहब के लिए जब कुछ भी नहीं कर रहा। सोच ले। हाँ ये तरीका काम कर सकता है। चल ठीक है, तेरी मर्जी। क्या तरीका है बताऊं? देख आप मरवाओगे मुझे, नहीं होगा मुझसे ये सब। ठीक है मैं चलती हूँ। क्या करूँ मैं बताओ? बोलो क्या करना चाहिए मुझे? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तू एक काम कर, तू एसपी के घर चली जा और तुझे जो सही लगता है उसे समझा दे। मुझे ऐसा लगता है दुर्गा कि तेरी अपनी दोस्ती को बचाने की जो कोशिश है और जो तू दिल से उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, ये देखकर वो तेरी दोस्ती की कदर करने पे ज़रूर मजबूर हो जाएगा। तू कल सुबह ही चली जा। एसपी से बात करने की सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट कोशिश है मेरी। अंदर जाओ या नहीं? बाप रे कितना बड़ा घर है और इतना आलीशान। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टारप्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टारप्लस यूट्यूब पेज को।